ये सो भी गया? हाँ, थक गया था ना तो जल्दी से खाना खिलाकर सुला दिया। बहुत कुछ सह लिया इसने इन दो दिनों में, तन से भी थक गया होगा और मन से। क्या हुआ? तुम्हें वादा करती हूँ, मैं इस घर में कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। प्लीज आप लोग कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। अपने भाई को चुनिए, ये सामान नहीं। मैं लेती हूँ जिम्मेदारी, रजत कभी कुछ गलत नहीं करेगा। आपसे मैं एक विनती करती हूँ, रजत के साथ साथ हमें भी एक मौका दे दीजिए। अपने पास बुला लीजिएगा भाभी। अपने तीनों भाइयों को छोटे से बड़ा किया है, पर कभी अकेला महसूस नहीं किया है। लेकिन अब आपका साथ मिला है तो सोचता हूं कि कितना अकेला था मैं। आपकी वजह से आज रजत यहां है, वरना मैं तो डर गया था कि कहीं रजत को खो ना दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रजत अगर यहां है आपकी वजह से, जैसे आप हैं उसकी वजह से, बहुत संघर्ष किए मैंने इन्हें बड़ा करने में, बहुत मुश्किलों से लड़ा, पर अपने भाई को अपनाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। रजत तुम्हारा सौतेला देवर है, उसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया है। जिस दिन खुद की औलाद होगी तब शायद तुम ये फर्क खुद समझोगी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है शिवजी। आज मजिस्ट्रेट ने जो कहा वो मैं जाकर भी नहीं भुला पा रही, तब से दिमाग में वही घूम रहा है। एक साल का टाइम मिला है और उसके बाद नहीं, मैं नहीं चाहती कि रजत को लेकर फिर से कोई सवाल खड़ा हो। शिवजी मैंने कुछ सोचा है। इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना है और यही एक रास्ता है। आप सच में ये चाहती हैं? आलोक भैया, वीरू भैया, अरे शिव भैया, मैं देखता हूं। शिव भैया, आलोक, शिव भैया, शिव भैया, क्या हुआ शुक्ला जी, क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा तोड़ दोगे क्या? अरे दरवाजा तो तुम्हारी दुकान का टूटा हुआ है, सारे शटर खुले हुए हैं, सारा सामान चोरी हो गया तुम्हारी दुकान का।
ये तो सच में सारा सामान चोरी हो गया। 40 लाख का सामान। चालीस लाख का सामान? हाँ भैया, वीरू ने मंगवाया था। हमने उसे मना किया किंतु उसने कहा कि जितना ज्यादा माल उठाएंगे उतना हमें डिस्काउंट मिलेगा और उतनी हम बिक्री करेंगे। सब बर्बाद होगा, मैं सब बर्बाद कर दिया। हाँ गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे दुकान में चोरी हो गई है। वो आपके माल के पैसे? गुप्ता जी हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये बात सबको पता चल गई। सबसे ज्यादा सामान तो हमने बंसल जी से लिया था, 35 लाख का। उसी का फोन है। अरे वो बंसल हिसाब का बहुत खरा है, एक पाई भी नहीं छोड़ने वाला वो। चालीस लाख कहां से आएंगे? दुकान बेच के भी नहीं आ पाएंगे इतने पैसे। सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया, मैंने सब बर्बाद कर दी। सब मेरी गलती। मुसीबत आती है पर मुसीबतों से लड़ा जाता है, बिना लड़े हार नहीं मानी जाती वीरू। अगर तू हार मान लेगा तो खत्म हो जाएगा सब, और ये मैं होने नहीं दूंगा। तो चल मेरे साथ, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। चल। पुलिस स्टेशन? हाँ, चोरी हुई है तो सबसे पहले चोर को पकड़ना होगा। शुक्ला जी आप यहां संभाल लेना। जी भैया। पुलिस आएगी ये सब देखने। चलो चलो। गंगा जी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। हाँ कंप्लेन लिखानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब वो बिल। देखिए रिपोर्ट तो मैं लिख रहा हूं और तहकीकात भी मैंने शुरू कर दी है। आप बस ये बताइए आप चोर को पकड़ लेंगे ना? वो हमारा सामान तो वापस मिल जाएगा ना हमें? देखिए झूठी तसल्ली तो मैं आपको नहीं दूंगा, ऐसी वारदातों में चोर पकड़ में आ भी जाए लेकिन माल के बरामद होने की उम्मीद ना के बराबर होती है, और चोर उचक के माल को बेचकर रातों रात गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, तो वो 40 लाख का माल हमें नहीं मिलेगा। आपने इतना सारा माल दुकान में रखा ही क्यों, और जब रखना ही था तो उसे संभालने का इंतजाम भी करना चाहिए था। भैया एक साथ इतना सारा माल नहीं मंगवाते, वो ग्राहकों की मांग या माल रखने की जगह और हानि होने की आशंका, ये सब नाप तौल के देखते और उसके बाद आदेश देते माल का। तुम्हारी तरह ना लाभ के लालच में ऐसा नहीं करते हो।
शिव जी माफ करना, आप सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और फिर इस तरह की चूक आपसे इस बार कैसे हो गई? समझ और समय, ये दोनों जब साथ छोड़ दें तो बड़े बड़े तैराक भी डूब जाते हैं। बस आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द चोर पकड़ा जाए। जी मैंने हवलदार को भेजा है मार्केट में, शायद कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए या किसी ने चोर को देखा हो तो हम जल्दी से जल्दी चोर को अरेस्ट कर सकते हैं। जी शुक्रिया। ठीक है तो हम चलते हैं। नहीं आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ और लिखते वक्त मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करना पड़ सकता है। ठीक है तो हम भारी। जी वीरू हे भगवान, इस मुश्किल समय में मुझे और मेरे भाइयों को हौसला दे, मुझे शक्ति दे कि मैं इनको टूटने न दूं। हेलो, हाँ 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 बंसल जी, अरे शांत हो जाइए, ये इतना चिल्लाएंगे ना तो बीपी बढ़ जाएगा आपका। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ शिव गुप्ता बोल रहा हूँ, आज तक आपका पैसा रोका है हमने, नहीं ना तो आगे भी मिल जाएगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा। सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा, फिर भी भैया कैसे, इतनी हिम्मत कैसे, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। हम कैसे, कहाँ से लाएंगे 40 लाख रुपए? अब इन सब बातों का क्या लाभ, हमने समझाया था ना तुम्हें, अगर हमारी बात मान लेते तो ये सब कुछ नहीं होता। वीरू हम डूब गए, सब कुछ नष्ट हो गया। अरे गंगा जी आप यहाँ क्यों आई? वो अकेला नहीं है, मैं जया को बिठा कर आई हूँ उसके साथ। आप बताइए कुछ पता चला किसने किया ये सब? कुछ नहीं पता चला है, ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर लगता नहीं कुछ पता चलेगा। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं खाना लेकर आई हूं आप सबके लिए। देखिए गलत मत समझिएगा, आपने जो खाना बनाया था ना अपने लिए, मैं वही लेकर आई हूं आपके लिए। शिवजी के लिए मैंने खाना बनाया है। मुश्किल वक्त में अगर बड़े साथ हो तो छोटों को हिम्मत रहती है, और आप घर में सबसे बड़े हैं।
मैं चलती हूँ। तुझे याद है आलोक, जब तू छोटा था तो तू साइकिल चलाना सीख रहा था। एक दिन बहुत जोर से गिर गया तू, डर गया तू और बोला कि आज के बाद मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा, ना ही साइकिल चलाना सीख पाऊंगा। और तू, तूने जब क्रिकेट मैचेस खेलना शुरू किया था तो पहले 3 मैचेस में 0 पे आउट हो गया था। तूने भी कहा था मैं कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, तब तुम लोगों को याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो गिरते हैं वही उठना सीखते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। वो जो हो गया उसे याद करके आने वाला मैच खराब मत कर, क्योंकि असली खेल तो मैदान से पहले दिमाग में खेला जाता है। यही कहा था आपने? हाँ, अगर मन में हार मान ली तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। आज गिरे हैं तो कल उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज 0 हैं तो कल सेंचुरी बनाएंगे। लेकिन हमें डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। न तब हारे थे न अब हारेंगे। ज्यादा मत सोचो, ने भी गलत किया है वो आज नहीं तो कल तो पकड़ा ही जाएगा। खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। काम हो गया ना? सामान कहाँ रखा? नहीं नहीं, मतलब ये क्या है? आपका हिस्सा। जो सामान चोरी किया था वो सब बेच दिया। बेच दिया? क्या करता, पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। बेच दिया? हमने कहा था बेचने के लिए, कहा था हमने। निकल बनारस छोड़ के भाग जा यहाँ से। अगर तू यहाँ दिखाना गलती से तो पुलिस तक पहुंचने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। निकल यहाँ से।